सनसेट होता है या नहीं होता है। सिंबा शीशे में अपनी शक्ल देख के भौंक रहा है। जूस बेच रहे हैं आज, ये मौसमी का भुन जाएगा, उसके आगे लेटर रहेगा तो हम कैंची का उपयोग कर रहे हैं। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिन के बज चुके हैं 12:30। कल हम लोग गए थे रेडू विलेज, आउटिंग करी, घर आए, इतना थक गए थे, आके फिर ब्लॉग एडिट किया था हमने तो सो गए थे। और आज का ब्लॉग हम बहुत लेट में स्टार्ट कर, ब्लोअर चला करके ब्लोअर के आगे पड़ा हुआ है, और ये स्पर्श भी उसी के साथ। स्पर्श उठो बेटा वहाँ से बाहर, धूप में जाओ दोनों जने। चलो सिम्बा, ए सिम्बा चलो उठो यहाँ से, चलो काम भी करना है ना, अंदर जाओ दोनों जने, बाहर धूप में जाओ। गुड बॉयज, चलो इसको नहीं जाना होता कहीं, इसको इसे ले जाना पड़ता है। चलो बाहर जाओ धूप में, कैसे अंगड़ाइयां मार रहा पूरे दिन ब्लोअर के आगे लेट के, चलो भुन जाएगा उसके आगे लेटर रहेगा तो। आज बहुत सारे ऑरेंजेस आए हैं हमारे वहाँ पे, तो ऑरेंज जूस निकालते हैं पहले। तो ये देखो इस कट्टे में पूरे मौसमी भरी हुई है, मेरे को लगा ऑरेंजेस है पर ये है मौसमी, और इसमें है। अब मैं धीरे धीरे इन्हें सारे छील करके इसमें निकालूंगी। इतने सारे ऑरेंजेस थे जो मैंने छील दिए, जूसर फिक्स कर दिया है। मैंने तुझे दिल दे के जीत लिया तेरी कसम। अब इस पर्स की टर्न है, अब इसको ऊपर से प्रेशर से पकड़ना है, ठीक है? बिल्कुल पकड़ लोगे ना कि गिराओगे? नहीं। 1 2 3। तो ये है जूस बेच रहे हैं आज, ये मौसमी का। मम्मा कितनी कुंभर घास लगी है इसमें? इसमें तो लगी लगी मेरे कपड़ों में भी लगी, सिम्बा के बच्चे के चक्कर में। अरे वो तो नहीं लगी, क्या कहते हैं, बिच्छू घास ना। ये देख, ये यहाँ से दिखाओ, ये सिम्बा के कपड़े लेने के चक्कर में ये पूरी कुंभर घास लग गई है, इसका आप कपड़ा मिला। आ जाओ, मैं इसे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि सिम्बा यहाँ भागता है, हमारे तो कपड़े हैं कपड़ों में से निकल भी जाता है, उसके उसमें से निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए इसे काटना ही बेटर है। इतना सारा साफ कर दिया और वो भी साफ कर दिया, मेन ये बाकी तो ये वो बिच्छू घास है ना। बिच्छू घास लग जाती है बहुत ज्यादा। मम्मा के लग गई एक हाथ में दो बार वो भी। तो फ्रेंड्स ये देखो मम्मा साफ कर रही है सारा कूड़ा ही। फ्रेंड्स मम्मा सिम्बा का कपड़ा धो रही है अभी तो, कि जो उसको पहनाते वो वाली धो रही है, उसके बाद कि जो पुराना वाला था वो भी धोएगी। लाए है ना ये कपड़े अपने। खोल रखा है, मम्मा ने बोले एक बार दरवाजा खोलते देखते भागते हैं कि नहीं, और मम्मा देखो भागने नहीं दे रही इसको। क्यों मम्मा? इसे बहुत भागने का शौक है ना, कोई काट लेगा कभी तो इसे गुस्सा कितना आ रहा है, देखते मुझे भागने नहीं दे रही। हम निकात रहा। कहाँ जाएगा? हाँ कहाँ जाएगा? कहाँ जाना था? कल होश ठिकाने नहीं आए बंदरों से मार खा के। तो इस समय बज रहे हैं 5:15 और सनसेट होते हुए, और ये है मेरा टोपी वाला बेटा। कैसे टोपी पहन रखी, टोपी पहननी नहीं आती, ढंग से करो। इसको उसके पापा की टोपी पहना दी मैंने, वो ऐसे ही होता है इस वर्ष, वो ऐसे ही होता है, स्टाइलिश है वो इस वर्ष, ऐसे मत कर। नहीं अरे यार चल, तो हम लोग जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी बैंड में जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे बैंड तक पहुंचने तक सन हमारे लिए रुकता है कि नहीं, चलो जल्दी चलो। मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, देखती हूँ कि हमारे बैंड में पहुँचने तक सनसेट होता है या नहीं होता है। ओफो सन की स्पीड ज़्यादा है हमारी स्पीड से। ये देखो सन ढल गया रे। इस पर बेचारा दौड़ दौड़ के आया वहाँ से।
स्पर्श करेगा पार्कोर ना, रोज का काम है इसका यहाँ पे आके पार्कोर करना। कुछ भी हो पर यहाँ से हिमालय बहुत मस्त दिख रहा है। ये देखो पार्कोर का मतलब है शायद ही नीचे फर्श वर्श को टच करे बिना ऊपर जाना, है ना स्पर्श, लावा पार्कोर। बस बस हो गया पार्कोर और हम बैंड तक आए थे पर सनसेट पहले ही हो चुका है। यहाँ पर लावा नहीं है, अब यहाँ से तो नीचे जाने का पार्कोर, तो इसका अभी भी पार्कोर चल रहा है। चलो घर चलो स्पर्श, गिर जाओगे? नहीं गिरूंगा। देखना पापा देखेंगे ना जब ये वीडियो तब बताएंगे आपको। डिलीट कर दो। डिलीट क्यों कर दूं? मैं दिखाऊंगी घर जाके पापा को, देखना जब पापा देखेंगे ना कि स्पर्श क्या कर रहा था वहाँ, तो मैं ये प्रूफ के तौर पे लेके जाऊंगी कि ये देखो क्या कर रहा था, ये देखो ये। चलो तो हम वापसी जाते हुए इस वहाँ पे सारी मिट्टी घुस जाएगी चप्पलों पे, तो हम बैंड से वापस जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि शाम हो चुकी है। इस समय अब जाके क्या करेंगे, सर्दियों का यही है ना, एकदम अंधेरा हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता। फिर बताओ भी 5:30 हो रहे हैं और दिन छिप चुका है, आ जाओ। तो मैं और स्पर्श जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, देखते हैं क्या लेके आते हैं सब्जी। में अपनी शक्ल देख के भौंक रहा है। दूसरा डॉगी ले आए हम, वो देख ले। तो अभी टाइम हो चुका है 8:00 और मैं बना रही हूँ रात का खाना, आलू बैंगन की सब्जी और ये तिल भूने जा रहे हैं तवे पे चटनी बनाने के लिए। और ये है मेथी जो मैंने अभी से साफ करके रख दी है, सुबह को इसके पराठे बनाएंगे हम। अपने अपने काम में व्यस्त हैं सिम्बा सौरभ और ये है मेरा बेटा स्पर्श जो बहुत बिजी है। इस बार आपने 1 घंटे के लिए मांगा था फोन, कितना हो गया? रख दो। हाँ चलो 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 रखो चलो। और ये ना अभी थोड़ी देर पहले अपने आप को शीशे पे देख रहा था, वहां से दूसरे उससे अपनी परछाई थी, वो मतलब शक्ल दिखाई दे रही थी तो भौंक रहा था बहुत ज्यादा। बहुत रोटी खाओगे अब, बहुत भूख क्या लग रही है, क्रैक्स खा ली ना, रोटी बन रही है अब, क्रैक्स से पेट नहीं भरता, तो क्रैक्स से पेट नहीं भरता, बना रही हूँ जल्दी से। तो इसी ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। आज मैं थम से बाय बाय करूंगा, थम 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 बाय बाय, कोई बाय बाय नहीं हुआ, थम बाय।